नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार गुरु पर्व पर देश को एक नई दिशा मिले, ताकि आप और हम सब एक दूसरे के करीब आएं और मिलकर भारत के सामने जो चुनौतियां हैं हम उसका सामना करें। आप सबको गुरु नानक जयंती की लाखों बधाइयां। और न्यूज चक्र में मैं बात करने जा रहा हूं अपने किसान भाइयों की। जी हां, मेरी अपील है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से कि कृपया अपने झूठे और घटिया प्रोपेगेंडा से बाज आए। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक निहायत ही झूठा प्रोपेगेंडा हमारे किसान भाइयों के खिलाफ चला रहा है। मगर उससे पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने इन मोहतरमा यानी कि प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दी थी और अब वो संसद के अंदर हैं। वो प्रज्ञा जिन्होंने हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे जो 26/11 के हमले में मारे गए थे, उनको शाप दिया था। याद है, मैंने सूतक मारा था। तो कृपया आप तो दूसरों को आतंकवादी और खालिस्तानी ना कहें, और आपका पूरा प्रचार तंत्र अब भी गोडसे को एक देशभक्त मानता है। और कई लोगों का मानना है कि गोडसे इस देश का, स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था। मैं ये मानू ना मानू एक अलग बात है, मगर कई लोग ऐसा मानते हैं। आपके प्रचार तंत्र में ऐसे कई लोग हैं जो महात्मा गांधी को भर भर कर गालियां देते हैं। तो कृपया दूसरों को खालिस्तानी या आतंकवादी ना बताएं, क्योंकि आप लोग अकाली दल के साथ 80 के दशक से गठबंधन में थे, और अकाली दल का कोई भी नेता भिंडरन वाले को आतंकवादी नहीं बताता। मैं नहीं भूला हूं, 2014 में मैंने एक डिबेट देखा था जिसमें एक एंकर लगातार निर्मला सीतारमन, जो उस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, उनसे लगातार पूछ रहा था कि निर्मला जी, अकाली दल अब भी भिंडरन वाले को आतंकवादी नहीं बताने को तैयार है, आपका क्या मानना है? निर्मला सीतारमन ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा कि हम उसकी आलोचना करते हैं, हम अकाली दल की आलोचना करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड हैं। 3 साल इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बना ली, वो पीडीपी जिन्हें आप वो आतंकवादी और पृथकतावादी तमाम शब्दों से नवाजते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया इन तमाम चीजों से बाज आइए। अब हम बात करना चाहेंगे देश के किसानों की, और वो आंदोलन जो इस वक्त दिल्ली और उसके आसपास चल रहा है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, जो कि इस आंदोलन से जुड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। मगर मैं कुछ मुद्दे यहां उठाना चाहता हूं। एक तरफ तो गृहमंत्री अमित शाह यह बयान देते हैं जो आपके स्क्रीन पर है कि हम किसान भाई बंधुओं से बात करने को तैयार हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वाकई एक सकारात्मक बयान गृहमंत्री अमित शाह का। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, और मन की बात में वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो किसानों के लिए हम नए कानून लाए हैं उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। यानी कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इसे अहम का मुद्दा बना दिया है। किसान आपसे यह नहीं सुनना चाहता कि उस किसान बिल के क्या फायदे हैं। आप एक देश एक मंडी की बात कर रहे हैं, मगर हर राज्य के किसान की अपनी तकलीफें हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके अपने मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री, एक अनाज एक मंडी की बखिया उधेड़ रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आप चाहता हूं कि आप सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कहा, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस मुद्दे पर नहीं झुकने वाली। सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। तो मोदी जी ने कह दिया कि किसानों के लिए जो हम बिल लेकर आए हैं उससे कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। ये बात अलग है, उस बयान में आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि संसद ने इसे पारित किया। तो मोदी जी, देश को आप यह भी बता देते कि आपने संसद में इसे किस तरह से पारित किया। जो तस्वीरें आपने मन की बात में लगाई, ये तस्वीरें भी डाल देते कि किस तरह से आपने सांसदों के साथ चर्चा किए बगैर इसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में भेजे बगैर उसे ठूस दिया।
किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, किसान से बात नहीं की, वो किसान जो लगातार ये कह रहा है कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी। क्या आपने इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया कि किस तरह से आपने इस बिल को ठूस दिया और फिर रात भर राज्यसभा और लोकसभा के कई सांसद इस तरह से महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिए बैठे थे। तो एक तरफ तो आप बात करने की बात कहते हैं कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, मगर दूसरी तरफ आप इस बिल को अहम का मुद्दा बना देते हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा, किसानों ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किसान प्रतिनिधियों की मैं आपको दो बातें सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले अड़तिया वाली बात, यानी बिचौलिए वाली बात। यहां पर आप सुनिए किस तरह से किसानों के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि देखिए पंजाब में अड़तिया का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई समस्या ही नहीं है, बिचौलिया का कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार के साथ क्या दिक्कत है कि वो रक्षा मंत्रालय या डिफेंस डील में बिचौलिए का इस्तेमाल करती है और कॉमर्स मिनिस्ट्री में बिचौलिए का इस्तेमाल करती है, लिहाजा उसे बिचौलिया एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं और ये अपने आप में बहुत वाजिब बात है। उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं, तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहां पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया, ही सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां आपने सुना कि बिचौलिए की समस्या पंजाब में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब आगे सुनिए, सरकार दरअसल निजी मंडियों को, प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दे रहा है और वो सरकारी मंडी जो कि एपीएमसी के हिसाब से चलती है, जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी किसान को होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को होती है, उन सरकारी मंडियों को धीरे धीरे फेज आउट करने की बात हो रही है। सरकार कह नहीं रही है, मगर जब आप निजी मंडियों को बढ़ावा देंगे जहां किसान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जाहिर से बात है वो उसकी तरफ जाएगा। अब आप सुनिए व्यावहारिक समस्या क्या है किसान को लेकर, जो ये किसान प्रतिनिधि बता रहे हैं, सुनिए इनकी बात। एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं, अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी, एक मंडी है विच इज गवर्न्ड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा, रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे। बात यहां नहीं रुकती, आपने क्या कहा था, एक देश एक मंडी कहा था ना आपने, प्रधानमंत्री आपने ये बात कही थी। अब आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं सुनिए। हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 के भाव पर बाजरा बिक रहा है, इसलिए वहां से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायत मिल रही है, वहां का बाजरा यहां बिकने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान का किसान अगर हरियाणा में बेचना चाह रहा है तो ये बिकने नहीं दिया जाएगा, ये किसी और के शब्द नहीं है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शब्द है। अब आप मुझे बताइए कहां गया आपका एक देश एक मंडी वाली बात। देखिए विरोधाभास सरकार के स्तर पर दिखाई दे रहा है और मैं आपको लगातार बता रहा हूं, और सबसे खतरनाक खेल जो सियासी खेल खेला जा रहा है किसानों को बदनाम करने के लिए,
इक्का दुक्का लोग अगर वाहियात बयान दे रहे हैं तो क्या वो किसानों के आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं जानता हूं बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीभ लपलपा रही है कि किसानों को बदनाम कर दो, हिंदू सिख बना दो और शायद हमें पंजाब के चुनावों में फायदा मिल जाए। ये खेल मत खेलिए, क्योंकि 80 के दशक में ये खतरनाक खेल कांग्रेस खेल चुकी है भिंडरनवाला के साथ, जिसका परिणाम हमने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत के तौर पर देखा था और 1984 के उस जनसंहार के तौर पर देखा था जो आजाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार है। यह खतरनाक खेल मत खेलिए, और यह कोई और नहीं बल्कि प्रचार तंत्र ही खेल रहा है। मनोहर लाल खट्टर जो आपके स्क्रीन पर खुद बयान दे रहे हैं कि आंदोलन के अंदर कुछ खालिस्तान की आवाजें आ गई, अगर इक्का दुक्का वाहियात लोग, मूर्ख या नासमझ लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं तो क्या वो पूरा आंदोलन बन जाता है? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया, ये जो मोहतरमा है आपके स्क्रीन पर, ये तो कह रही थी, इन्होंने शहीद हेमंत करकरे को शाप दिया था भाई, एक शहीद को शाप दिया था, इन्हें आपने टिकट दी, आतंक की आरोपी हैं अब भी, तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरों को इस तरह से बोलने का, और आप सत्ता में हैं, कृपया जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आपके स्क्रीन पर यह है राहुल गांधी का बयान, वो ये फोटो दिखा रहे हैं जिसमें एक बुजुर्ग सिख को एक सुरक्षा बल का व्यक्ति लाठी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे राहुल गांधी कहते हैं, बहुत ही दुखद फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया, ये बहुत खतरनाक है। इसके जवाब में ये जो आदमी है अमित मालवीय, इसने ट्वीट किया है। अमित मालवीय कहता है, जो आपके स्क्रीन पर है, राहुल गांधी मस्ट बी द मोस्ट डिस्क्रेडिटेड ऑपोजिशन लीडर इंडिया हैज सीन इन अ लॉन्ग टाइम। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो ये तस्वीर पेश की है जिसमें एक बुजुर्ग को लाठी मारी जा रही है, मगर दूसरी तस्वीर में देखिए पुलिस की लाठी ने किसान को छुआ तक नहीं। पहली बात तो मालवीय, तुम्हारा एक इतिहास रहा है बेटे कि तुम लगातार इसी तरह से गलत बयानी करते हो, झूठा प्रचार प्रसार करते हो, हाथरस की गुड़िया को बदनाम करने का प्रयास तुमने जो उस ट्वीट के जरिए किया था वो मैं आज तक नहीं भूला हूं। तुमने पहली बात, अगर मैं मान भी लूं इस तस्वीर के जरिए कि उस बुजुर्ग को लाठी नहीं पड़ी, तो क्या लाठी चलाने का अधिकार है इस तरह से, इस बेरहमी से? अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं, आप देखिएगा इस बुजुर्ग पर एक नहीं बल्कि दो बार लाठियां चलाई गई, और लाठियां ही नहीं चलाई गई, उसे गाली भी दी गई, सुनिए। तो इस तरह से ये लोग बुजुर्ग किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती, एक दीप संधु करके हैं इस आंदोलन में, वो आए और आपको याद है उनका बयान मैंने भी सुनाया था, उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये एक अभिनेता भी हैं। तो यहां पर अमित मालवीय ये कह रहा है कि दीप संधु जो है वो खालिस्तान समर्थक है, और ऐसे लोग जो हैं वो किसान आंदोलन से में जुड़े हुए हैं और वो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, यहां दीप संधु जो हैं, सनी देओल जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ये तस्वीर जो मुझे ट्विटर से मिली है, इस तस्वीर में देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ खड़े हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ऐसा क्यों हो जाता है कि जब तक तो आपके साथ कोई है तो वो देशद्रोही नहीं है, वो खालिस्तानी नहीं है, मगर जैसे ही कोई आपके खिलाफ हो गया, हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि दीप संधु अब बीजेपी के साथ हैं या नहीं है और इनकी मौजूदगी की वजह क्या है, मगर मुद्दा यहां पर कुछ और है। मुद्दा यह है कि झूठ के सहारे लगातार इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। यह है शलभ मणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, पहले पत्रकार भी थे, अच्छा है राजनेता और बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, कम से कम पत्रकारिता को बदनाम नहीं कर रहे हैं। ये किसी, इनका ट्वीट देखिए, घंटे भर में किसान बनने का चमत्कार देखिए। कोई नजीर मोहम्मद हैं, वो ये बता रहे हैं कि नजीर मोहम्मद किस तरह से पगड़ी लगा देता है और वो आंदोलन में अब सिख बन गया, जबकि नजीर मोहम्मद जिसकी तस्वीर यहां दिखाई दे रही है वो अप्रैल की तस्वीर है, उसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या चल रहा है, अभी हम नवंबर के अंत में आ गए, आज गुरु पर्व है, और यह तस्वीर नजीर मोहम्मद की कब की है, बहुत पहले की है। और यही नहीं, ये कोई और सज्जन है जो कि बीजेपी आईटी सेल के ही हैं, कोई अभिमन्यु त्यागी, ये भी यही कर रहे हैं।
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, आपका प्रचार प्रसार जो है वो झूठ क्यों कह रहा है? बात यहां नहीं रुकती। ये है प्रीति गांधी जो कि बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है। ये 2019 में लीड्स स्टेडियम, इंग्लैंड के लीड्स स्टेडियम के अंदर का एक वीडियो डालती हैं जहां खालिस्तान समर्थक नारे लग रहे थे। और जानते हैं जब 2019 में लीड्स स्टेडियम में खालिस्तान समर्थक नारे लगे थे तो इसकी आलोचना ब्रिटेन में बसे सिखों ने की थी, कुछ लोगों ने की थी, कुछ सिरफिरों ने ये नारेबाजी की थी, मगर इसकी आलोचना बाद में की गई थी। अब ये जो नारेबाजी हुई थी वो लीड्स स्टेडियम में 2019 में हुई थी, मगर ये मोहतरमा बता रही हैं कि ये नारेबाजी किसानों के आंदोलन में हो रही है। क्यों भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करके तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हो? हाँ दोस्तों, मैंने आपको पूरी मिसाल दी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लगा हुआ है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इसलिए जब अमित शाह कहते हैं ना कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, तो किसान इसलिए उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमित जी, हकीकत यह है कि आप जो बात कर रहे हैं आपके बिल्कुल उलट, आपका प्रचार तंत्र, आपका अपना एक मुख्यमंत्री इन किसानों को बदनाम कर रहा है। मैं उन बयानों की सख्त शब्दों में आलोचना करता हूं जहां पर इंदिरा गांधी जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक किसान वाहियात बयान दे रहा था, मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा, क्या इन इक्का दुक्का आवाजों से किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सकता है? उस किसान आंदोलन जिसके साथ सिर्फ पंजाब के किसान नहीं हैं, इसके साथ मध्य प्रदेश के किसान भी हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों को आप रोक कर रख रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? मुझे तो सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि अगर 2012-13 का निर्भया आंदोलन आज हुआ होता तो निर्भया को ये लोग कितना बदनाम करते, कितनी गंदगी उसके बारे में कहते ये लोग कि क्या जरूरत है उसको रात को निकलने की, तमाम चीजें। उस वक्त कांग्रेस जो कटघरे में थी उस कांग्रेस तक ने निर्भया को बदनाम नहीं किया था, मगर आज अगर वो आंदोलन हो जाता तो मैं नहीं जानता उसका क्या हश्र होता और उसे किस तरह से बदनाम किया जाता। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। दोस्तों आज गुरु पर्व है और एक बार फिर शांति के इस पर्व पर मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, चाहे सरकार का प्रचार तंत्र हो, किसान हो, किसानों से भी मेरी अपील कि इस आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, इस आंदोलन में पृथकतावादी नारों की कोई जगह नहीं है, इसलिए अपने इस आंदोलन में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जगह ना दें। हमारी तरफ से चाहे पुरुष गोली मार दे, हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा, समझ गए ना? एक बार में अगर किसी आदमी ने हाथ उठाया हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे, इसका मतलब वो आदमी हमारा नहीं है। पीछे जितने आंदोलन हुए जहां हमने हाथ उठाया वहां आंदोलन टूट गया। आज एक आदमी के गुस्से से अगर ये हजारों लोगों का पेट पे लात लगे वो बहुत गलत होगा। सरकार से मेरी गुजारिश है, भारतीय जनता पार्टी से मेरी इस गुजारिश है कि कृपया ये खतरनाक खेल ना खेलें, क्योंकि पंजाब इसका खमियाजा भुगत चुका है, देश इसका खमियाजा भुगत चुका है। कई शहादतें देखी हमने उस वक्त, कई लोगों की जानें गईं और हम उस इतिहास को नहीं भूल सकते। तो कृपया ये खतरनाक खेल खेलना भूल जाएं, इस खेल को ना खेलें। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।